जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राणा सनाउल्लाह, ना तुम्हारी पुलिस, ना तुम्हारी टेयर गैस, ना तुम्हारी रबर बुलेट, और अगर तुमने रेंजर्स को बुलाया, ना रेंजर्स कोई रास्ते में नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। कोई ताकतवर पीएमएल की शख्सियत कह रही कि नाहल होंगे। मुझे लगता है कि इमरान खान की पार्टी आने वाली कॉन्फ्लिक्ट को तैयारी कर रही है एक लीक से, कि इधर लीक से आ जाएगी, देखें जी इन्होंने तो पहले ये प्लान किया था, तो हम क्या मजीद। और ये मार्शाल्लाह लग जाएगा, पाकिस्तान बात करीब पहुंच गया मार्शाल्लाह के, और अगर ये मसला हल ना हुआ तो मार्शाल्लाह लग जाएगा। तो किसने मना किया है मसला हल करने से? और मार्शाल्लाह कभी भी कोई सलूशन नहीं होता। मार्शाल्लाह खुद मुतालबा कर रहे हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होने चाहिए, लिहाजा उनकी ख्वाहिश तो ये ज़रूर होगी कि उनके पार्टी के अंदर जो ऐसे एलिमेंट हैं, जो खास तौर से मेरा इशारा उनकी तरफ है, जो माइग्रेटरी बर्ड जुड़ के आए थे दूसरी पार्टियों से। राणा सनाउल्लाह और जो तुम्हारा गीदड़ जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम, पूरी तैयारी कर लो। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टेयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। और शहबाज शरीफ, तुम कल चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ अभी अमेरिका से कल रात एक मफरूर के साथ पहुंचा, वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया, और जब नैब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी 2017 में, नैब ने जब उससे पूछा, खुद एक बहुत बड़ा मसला होता है मार्शाल्लाह में, ये होता है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के निजाम का कंट्रोल हासिल कर लेती है, और पाकिस्तान की फौज इसलिए आती है कि तमाम सियासतदान और तमाम इदारे नाकाम हो चुके होते हैं, इसका जवाब लेकर पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के इक्तदार पे कब्जा कर लेती है, और उसके बाद वो पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद की मालिक बन जाती है। फिर फौज अपने दिमाग के मुताबिक और अपनी सलाहियत के मुताबिक मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। फौज मार्शाल्लाह लगाते वक्त हमेशा ये कहती रही है कि वो एहतसाब करेंगे, लेकिन इस मरतबा जो एहतसाब हो रहा था उसको भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और ताकतवर हलकों ने पसे पुश्त डालकर एक ऐसी हुकूमत को वजूद में आने दिया जिसके तमाम लोग करप्ट थे, लिहाजा मार्शल लॉ पर लोगों का बिल्कुल किसी किस्म का कोई एतबार या एतमाद नहीं होगा। ये पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ होगा जिसकी मुखालफत पहले दिन से शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान की फौज जिसकी मकबूलियत को चोट पहुंची है माजी करीब में, आप माने या ना माने, और उनके बारे में लोगों को कुछ शिकवे शिकायतें मौजूद हैं, और पाकिस्तान की आवाम बार बार सवालात पूछती है, बड़े अहम सवालात फौज की आला क़यादत से, और वो इसके ऊपर बात भी करते हैं, यानी DGISPR जब भी कभी ट्वीट करते हैं तो नीचे लोग सवालात की भरमार कर देते हैं, हज़ारों सवालात पूछे जाते हैं उनके ट्वीट के ऊपर। तो ऐसे मौका पर एक ऐसे शानदार इदारे को दोबारा एक ऐसी अजीबोगरीब चीज़ के अंदर धकेल देना जिससे उसकी मकबूलियत जो रह गई है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हो जाए, मेरे ख्याल में ये इंतहाई नामुनासिब और ग़लत कदम होगा। जिसने भी कामरान खान साहब को ये कहा है बिल्कुल गलत बात की है, और जिसके दिमाग में भी ये फार्मूला चल रहा है वो अपनी तसहीह कर ले। पाकिस्तान की कौम इस मरतबा किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के मार्शाल्लाह को तस्लीम नहीं करेगी। लोग मार्शाल्लाह तब तस्लीम करते थे जब कोई और सलूशन नहीं होता था, यहाँ पे इलेक्शन की सूरत में एक सलूशन मौजूद है।
उन्होंने जिनमें से ही लोटे बने हैं, जिनमें से ही खान साहब का ख्याल ये है, जिनको उन्होंने धमकाया था अभी एक हफ्ता पहले बनीगाला में कोर कमेटी की मीटिंग में कि वो रबते में हैं फौज के साथ भी, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट के अदारों के साथ भी, तो ये उसके लिए एक उनकी कोशिश है। लेकिन दो तीन बातें इस हवाले से कहना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि वो एलिमेंट जो वजह बने थे इन लोगों के बाहर फेंकवाए जाने के, जिनमें अपने हामिद खान साहब थे, जस्टिस वजीउद्दीन अहमद थे, तस्नीम नूरानी थे, फौजिया कसूरी थी, अकबर एस बाबर था, नाम लेने शुरू करूँ मैं तो आप हैरान रह जाएंगे, ये सारे नज़रियाती लोग थे जो पार्टी का असासा थे। लेकिन वन आफ्टर अनदर उन सब माइग्रेटरी बर्ड्स ने इनको तो फारग करवाया और ख़ुद की स्लॉट्स के ऊपर बैठ गया। अब हामिद खान साहब ही बता रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसी को वो कह रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का जासूस है, किसी को कह रहे हैं इसको तो मुंह नहीं लगाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये काउंसिल बना तो दी गई है, लेकिन क्या इस काउंसिल को अब वो विशेष सर्कल जो इस वक्त खान साहब को घेरे हुए हैं वो इनको काम करने देगा, और क्या खान साहब इस पोजिशन में होंगे कि इनकी हिदायत पर अमल करते हुए पार्टी को असर नौ मुनज़म करें? ये इज़ आस्किंग फॉर टू मच, क्योंकि खान साहब जो हैं वो आजकल जिस तरह से जलसा जलसा खेल रहे हैं, कौम 1/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर वाटर, लेकिन उन्होंने 51 जलसे करमा रहे हैं। अब वो उसकी कॉस्ट वॉस के हवाले से बातें हो रही हैं, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हर पार्टी के अंदर एक इंटेलेक्चुअल क्लाउट होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो डेडिकेटेड हों पार्टी की कास को, थिंक टैंक, दैट्स द राइट वर्ड, थिंक टैंक्स जो सियासी मुआजरे की तरफ जा रहे हैं। कल का उन्हें आज ना हेल कर दें। अब जो मैं नाम नहीं लेता, जो बहुत ही दानश्वर करीब हैं हुकूमत के, उन्होंने एक नई कहानी शुरू कर दी है कि नहीं नहीं उन्होंने पहले से प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया। मैंने माशाल्लाह आज पूरा उनका क्लिप देखा एक साहब का, वो फरमाते हैं वो तो आपस में बात हो रही थी, उसमें ये नहीं था कि हमें जो है वो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कह दिया है कि वो उनको कर देंगे, वो तो बातें हो रही थी कि जी हमारा ख्याल है वो, उन्होंने पहले से ही प्रीएम्प्ट करके एक जवाबी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि जनाब नहीं, कि इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज़ नहीं है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। खान साहब कहते हैं नहीं बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है, और जाहिर है जब वो एक मखसूस क्लिप सामने आएगा तो पता चल जाएगा क्या है या क्या नहीं है। अच्छा, उसको मिटिगेट करने की कोशिश ना करें, हमें नमक लाली की ज़्यादा ज़रूरत क्या है। हाँ जी, देखिए वो तो अलग बात है ना कि 33 करोड़ लोग सैलाब की नज़र में हैं, लोग भूखे हैं, वो तो हमारा इशू नहीं ना। अब नया सुन ले, हुकूमत क्या प्लान कर रही है, हुकूमत भी आपको पता है हुकूमत होती है, IB आपके पास है, इदारे आपके पास है, तो उन्होंने भी जनाब ये केसें इकट्ठी शुरू कर दी है। और सुनने में आया कि कुछ ऐसी भी वीडियोज़ हैं RDO के साथ, वीडियो जो पर्सनल है, जो खान साहब पर सीधा सीधा अटैक का, वहाँ पर भी प्लान है। मुझे तो बहुत कन्फर्टेशन नजर आ रही है काई साहब। मैं कहता हूँ करें ना जी, कर दें, तो इसका नतीजा क्या आप देखते हैं? ये केसों की लड़ाई अब होगी, आप मेरी वीडियो सुनाएंगे, मैं आपकी ऑडियो सुनाऊंगा। साहब ये सारी वीडियोस ये खान साहब के खिलाफ आप चलाएंगे, असल सही या गलत, वो हर ग्रॉसरी स्टोर के में बढ़ती हुई दाल और धनिये की कीमत के आगे जेर हो जाएगी, कोई नहीं मानेगा आपकी ये बात। तुम हमें वीडियो दिखाने के लिए आए हो और तुमने वीडियो सेंटर खोला हुआ है, तुम हमारे प्राइसेस कम करने के लिए आए हो, हमारी जेब और हमारी जरूरतों के माबैन रिश्ता कायम करने के लिए आए, जो आपकी आईन जिम्मेदारी कहते हैं पास में एंटरटेनमेंट कोई नहीं है, अच्छे ड्रामे नहीं बनते, अच्छी फिल्में नहीं बनती, मैं ये कह रहा हूं कि ये दो नंबर तरीकों से ना खान की पॉपुलैरिटी खत्म होगी, ना वो नायल हो सकेगा, उसका भूत रोज रातों को आपको डराएगा, चाहे पर्सनल करेक्टर भी आ जाए उसमें, आप समझते हैं कितना कुछ भी नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ क्या हुआ मोहम्मद जुबैर साहब का, क्या हो गया? वो TV पे आते हैं माशाल्लाह और गुफ्तगू करते हैं बड़े एतमाद के साथ, कोई मसला नहीं है। अरशद मलिक साहब अगर हयात होते, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी ले, उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, और उनकी जिस किस्म की वीडियो आई थी वो भी यहीं घूम रहे होते कहीं इधर उधर, की फर्क पैदा है की है नहीं, ये इसका क्या मतलब है? आप समझते हैं माशरे में कोई इसका रद्द अमल ही नहीं होगा? माशरे में क्या रद्द अमल आए? मेरा मतलब ये है कि आप जो है क्या रद्द अमल करें, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी इनकी? और दूसरी बात यह है, जिसके खिलाफ आएगी वो कहेगा जी ये डेप फी क्या डीप फेक वीडियो है, दैट्स इट, कर लो जो करना। अच्छा नहीं काई साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा पॉइंट ये है कि इस रियासत को, इस मुल्क को, इस अवाम को हम वीडियो ऑडियो से चलाएंगे, हम ऑडियो। दोस्तों, पाकिस्तान में इमरान खान लगातार पाकिस्तानी हुकूमत को धमकी पर धमकी दे रहा है। इमरान खान का कहना है कि जब मैं निकलूँगा तो पाकिस्तान की फौज से लेकर पाकिस्तान की पुलिस भी इमरान खान का कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी के बल पर इमरान खान को लगता है कि मैं जब इस्लामाबाद पर धावा बोलूँगा तो मेरे साथ इतनी पब्लिक होगी कि पाकिस्तान की फौज और पुलिस कम पड़ जाएगी,
और इस्लामाबाद में इमरान खान आग लगा देगा। लेकिन पाकिस्तानी फौज भी बहुत ज़्यादा चालाक है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान में हुक्मरानी करती है, इसीलिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ की चर्चा होने लगी है, जिससे पाकिस्तानी फौज की हुकूमत होगी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा, जब जो मर्जी आएगी पाकिस्तानी फौज करेगी। इसीलिए इमरान खान बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को भाजपा का बिना नाम लिए ही धमकी दे रहा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ, नहीं तो मुल्क में तबाही फेर दूंगा, क्योंकि इमरान खान के साथ लाखों की पब्लिक है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हाई हो चुकी है कि जब चाहे तब इस्लामाबाद पर धावा बोल सकता है। लेकिन इमरान खान अभी तो जल से खेल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इमरान खान इस्लामाबाद पर भी धावा बोल सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद।